इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबर पर एक नजर। पिछले कुछ अरसे से वजारत का ख्वाब संजोए काफी बुजुर्ग का उम्मीद लगाए बैठे थे, लिहाजा आखिर इनका ख्वाब आज पूरा हुआ। खासकर उमेश कत्ती को आज वजारत की तौसी में जगह मयसर हुई। काफी लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कांग्रेस जनता दल की हुकूमत को गिराकर भाजपा की हुकूमत का कयाम अमल में लाया था, जिसकी चर्चा भी काफी हुई थी। कुछ लोगों ने बगावत कर भाजपा की गोद में पना ली थी, जिसमें अहम किरदार पहले कांग्रेसी फिर बाद में भाजपाई बने रमेश जारकिहोली ने निभाया था। जितने भी बागी बनकर भाजपा का साथ निभाया था, अब उम्मीद लगाए बैठे थे इन्हें कुछ तो वजारत नसीब होगी। लिहाजा रमेश जारकिहोली को तो जिला वजारत पहले से ही हासिल हुई थी, पर और भी कुछ लोग थे जिन्होंने कांग्रेस जेडीएस हुकूमत गिराने में काफी मशक्कत की थी। लिहाजा एटीवी नागराज अरविंद लिंबावली को भी वजारत से नवाजा गया। कुल 7 नए लोगों को वजारत दी गई। दिगर वजारत में मुर्गेश निगरानी, यसंगार आर शंकर और सीबी योगेश्वर को भी शामिल किया गया। पिछले कई दिनों से उमेश कत्ती की वजारत पर काफी चर्चा देखी सुनी जा रही थी। आखिर कत्ती की किस्मत चमक ही गई। यह भी कहा जा रहा है कि उमेश कत्ती ने दरमियान में वजीराला येडियुरप्पा पर दबाव भी बनाया था। आखिरकार बात मनवाने में उमेश कत्ती कामयाब हुए। सियासत भी एक अजीब तमाशा है। पहले तो इंतखाबात जीतने की जद्दोजहद, अगर हारते हैं तो बनी हुई हुकूमत को गिराने के लिए कुव्वत लगाओ, आखिर में खरीदो फरोख्त के लिए लालची उम्मीदवारों को भी तलाश करो, फिर अचानक किसी रिसोर्ट में ले जाओ, अचानक असेंबली में पेश करो। तमाम तमाशा आवाम खामोशी से देखती रहती है। अब तो भारत के मुख्तलिफ रियासतों में यही देखने को मिलता है। अब कोई सोच फिक्र विचारधारा मायने ही नहीं रखती। कौन कब गांधीवादी बन जाए और कौन गोडसेवादी बन जाए, इसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। पूरे देश में यह तस्वीर नजर आएगी कि कोई 25-30 साल से गांधीवादी विचारधारा से काफी मुतासर रहता है और अचानक उसे इल्हाम होता है कि, और फिर वो गांधी को मारने वाले गोडसे से मोहब्बत करने लगता है। मौजूदा सियासी तस्वीर को देखने से ऐसा लगता है कि कहीं गोडसे को ही भारत देश में महात्मा ना बना दिया जाए। वैसे भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव धमाके में मुजरिम थी, इसे एमपी बनाया गया, जिसने पार्लियामेंट में गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए थे। कोई सोच भी सकता है कि ऐसे भी दिन इस देश में देखने पड़ेंगे कि गांधी के पुतले पर गोलियां चलाने वाले देशभक्त बन जाएंगे। खैर, कर्नाटक के नाटक को काफी नजदीकी से लोगों ने देखा। बागी उम्मीदवारों की खुशामद भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि फिर किसी का हाथ थाम ले क्या पता। खैर, भारत में तो अब यही जमहूरियत बची हुई है। अब उम्मीद करते हैं कि जो भी है, जैसा भी है, देश के आवाम की भलाई के लिए बेहतर काम करे, यही उम्मीद और दुआ कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन चुनाव की सरगर्मियां जारी होने की तला अभी हासिल ही हुई थी कि अब इन चुनाव को और आगे मुलतवी करने की कोशिश भी कुछ लोगों की जानिब से करने की तला हासिल हुई है। वार्ड की तामीर 9 को लेकर फिर अदालत में अर्जी दाखिल करने की भी इत्तला हासिल हुई, पर पहले से ही काफी देरी हो चुकी है। लिहाजा क्या अदालत इन अर्जियों को कबूल करेगी या फटकार लगाए, ये भी सोचने की बात है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग कॉर्पोरेशन के जमाई राजा बने बैठे हैं और इन्हें पिछले 1.5-2 सालों से कॉर्पोरेटरों की तरह अपना रुतबा बरकरार रखने की आदत पड़ी हुई है। दरअसल देखा जाए तो अब कोई कॉर्पोरेटर है भी नहीं, फिर भी कॉर्पोरेशन चुनाव न होने की वजह से कुछ लोग खुद ब खुद अपने आप को कॉर्पोरेटर समझ रहे थे। अब चुनाव के ऐलान से कहीं कॉर्पोरेशन का दामन छूट न जाए का डर सताने लगा है। कुछ लोगों को अचानक अदालती फैसले से दस्तावेजों को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी भी कॉर्पोरेशन अफसरान पर आई हुई है। लिहाजा सालों से आराम फरमा अफसरान महकमा को दिन रात कामों पर लगना पड़ेगा। और वैसे भी कुछ लोगों को परेशानी यह है कि अगर वार्ड पुनर्रचना तामीर 9 नहीं होगी और रिजर्वेशन में बड़े पैमाने पर उलटफेर होना है तो कईयों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा फिर अदालत का दरवाजा खटखटाकर किसी तरह चुनाव को और 6 महीने मुलतवी करने की कोशिश जारी की इत्तला हासिल हुई है। शहर और अतराफ में चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, जिसमें पुलिस महकमा भी काफी परेशान है। पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा किया हुआ है, देर रात तक पुलिस गश्त भी जारी कर रही है। खासकर यह देखा जा रहा है कि चोरों की जानिब से मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब तक कई मंदिरों से जेवरात और चंदे की पेटी यानी दान पेटी से रुपया भी गायब किया गया। एक और वारदात बसरीकट्टी गांव में अमल में आई। लिहाजा चोर औरत है जो महालक्ष्मी देवी के दर्शन के बाद मंदिर में दाखिल होकर मूर्तियों पर चढ़ाए जेवरात को झटके से खींचकर भाग निकली।
गांव के लोगों को इस खातून पर शक हुआ। मंदिर में जाकर देखा तो आधे टूटे हुए जेवरात मूर्ति पर है और आधे टूटे हुए जेवरात लेकर गायब है। इन्होंने इस खातून का पीछा किया पर यह खातून मोटरसाइकिल पर बैठकर बेलगाम की तरफ निकल चुकी थी। इसका पीछा किया गया और इसे शिंडोली के करीब पकड़ लिया गया। तफ्तीश के बाद इसके पास जेवरात तो नहीं मिले। इस खातून को वापस मंदिर में लाकर बंद किया गया। मारियाड़ पुलिस को बुलाकर मामले को इन्हीं के हवाले किया गया। तफ्तीश जारी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बेलगाम वालों को कुछ ज्यादा ही खुशी हुई है। लिहाजा आज बेलगाम शहर में वैक्सीन का इस्तकबाल जोर शोर से किया गया। वैक्सीन को बैंड बाजे के साथ बेलगाम में दाखिला मिला। वैक्सीन डेपो इहाते में इस वक्त डीसी बेलगाम मानते शिरेमठ जिला हेल्थ अफसर शशिकांत पुन्या, कारपोरेशन हेल्थ अफसर संजय डुंगोड़ और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। सुबह 5 बजे पुनः से वैक्सीन की बेलगाम में आमद हुई। गाड़ी ड्राइवर और मुलाजमीन का इस्तकबाल डीसी और सेहत महकमा के अफसरान ने किया। इस गाड़ी से कुल 35,000 वैक्सीन आई हुई है। वैक्सीन की आमद पर बैंड बाजा बजाएगा, इसे भी तारीख की औराक में लिखा जाएगा। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी VTU के 100 से भी ज्यादा तलबाओं ने ऑनलाइन इम्तिहान की मांग करते हुए ऑफलाइन इम्तिहान पर रोक लगाने की मांग की। इनका कहना था कि मुख्तलिफ रियासतों से मुख्तलिफ शहरों से तलबा इम्तिहानगाह में तशरीफ लाएंगे। जब आलमी वबा का खतरा अभी टला नहीं है कि बात बार बार कही जाती है तो फिर क्यों ऑफलाइन इम्तिहान लिए जा रहे हैं, ऐसा सवाल किया गया। लिहाजा SCE यानी सेमिस्टर और इम्तिहान को रद्द कर ऑनलाइन लिया जाए। अगर तलबाओं के मांग को मंजूर नहीं किया गया तो एहतजाज और सख्त किया जाएगा, ऐसा इशारा VTU की तलबाओं ने दिया। अब देखना है कि कॉलेज इंतजामिया क्या फैसला लेती है। वैसे तो बाग सिकंदर दरगाह की जगह यानी कांदा मार्केट बेलगाम वैसे तो वक्फ बोर्ड के जेर मातहत है पर इस पर कब्जा कारपोरेशन का है। हाल ही में दुकानों की नीलामी कारपोरेशन की जानिब से की गई बाग सिकंदर दरगाह कमेटी का कायम 2007 में अमल में आया था और बतौर केयर टेकर के तौर पर साबिक डिप्टी मेयर जनाब निसार संधी थे। आज जनाब निसार संधी ने कमेटी के जिम्मेदार की हैसियत से इस्तीफा देते हुए तमाम जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के सुपुर्द कर दी। इस वक्त वक्फ बोर्ड अफसर जनाब शब्बीर जमादार और दिगर औकाफ के कारकुनान मौजूद थे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।